देखिए, किसी राज्य को अगर आगे बढ़ाना होता है तो वहाँ का नियोजन नीति और वहाँ का नियम जो 1932 का खतियान के बारे में विषय आया, हो सकता है विधि सम्मत कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहे होंगे या कुछ तो होंगे, ये मेरा मानना है। और राज्यपाल ने उसका अध्ययन किए होंगे, देखे होंगे, तो मान लिया 1932 का खतियान और नियोजन नीति का समाहित ना किया हो सकता है। अगर मान लिया दोनों को समन्वय बना के किया होता तो शायद झारखंड के लोगों को लाभ मिलता। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार पुनः इसको विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और हर संस्थान के साथ में बातचीत करके कि झारखंड को लाभ मिल सके, ऐसा विचार करना चाहिए और आगे इस बिल को और इस विधेयक को लाना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई खामियां रही होगी तो राज्यपाल ने वापस किए होंगे। मैं तो इतना नहीं बोलती, आप चाहे बाबूलाल जी की बात करेंगे या रघुवर दास जी की बात करेंगे, बाबूलाल जी ने भी 1932 का खतियान लेके आए थे और कोर्ट ने उनको खारिज किया था। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से रघुवर दास जी ने सबका समन्वय समन्वय बना करके पूरे झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए 1985 लेकर के आए थे ताकि सबका समाहित हो पाएंगे, और उन्होंने पारित कराया, किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आई। लेकिन विपक्ष जब अपनी पारी आती है तो सबका अपना अपना होता है। इस समय सरकार ने जिस तरह से स्थानीय नीति को तो ले 1932 का खतियान तो लेके आए, लेकिन इसमें नियोजन नीति समाहित नहीं किया गया। शायद नियोजन नीति को भी लागू किया जाता होता तो संभवतः, मुझे लगता है, तो ये कहीं ना कहीं पारित होते। तो गवर्नर ने अध्ययन किया होगा और अध्ययन करने के बाद कुछ तो त्रुटि हुआ होगा, तब ने उन्होंने वापस किया होगा। कानून सम्मत हो, नियोजन सम्मत हो, झारखंड के हित के सम्मत हो, ऐसा मुझे लगता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।